अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह, सभी देखने वालों का वेलकम है मेरे शो में जिसका नाम है लो सांबो। आज आप मिर्जे के फोकने से हम दादा साहब को मानना छोड़ देंगे। क्यों नहीं? और कुतिया तेरे से क्या? और कुतिया तेरे से। ये सारे इसी तरह गाली गलौज करते हैं। और कुतिया तेरे से। हम तो दुरूद वाले हैं तेरे से। हम नहीं बुरूद वाले हैं, हमारा दुरूद ही हमारा बुरूद है तेरे से। और आप कहते हैं जी ये देखें, इनको बात करने की तमीज नहीं है। और कुतिया तो 50 लाख कुत्ते पिला के दादा साहब से पंकन, ये सारे दादा साहब को मानना छोड़ दे। जी मैं आपके बाबों को नहीं मानता। क्यों? क्योंकि आप बाकी के बाबों को नहीं मानते। 99 कत्ल थे, तुसी भी कीते ने। सुलेमान फिर भी कहेगा गंज बख्शे फैज़े आलम। हाँ गंज बख्शे फैज़े आलम नहीं, अल्लाह से मदद। ना कि सारा पीले कामिल कामिल आ रहा। लानत है तेरे ऐसे कीदे के ऊपर। ओ जी लाहौर 1000 साल तू बाबा बैठे है ते पाल रहा लोगों, वो छड़ दे आज चंदे बंद कर देना गवर्नमेंट, कुत्ते फिरन के दरबारा होते तोड़े, सफाई करने वाला कोई नहीं होगा, बंद कराओ आज चंदे। बाबा पाल रहा है तोड़े चंदे दे पलदे ने ते तुसी कहते बाबा पाल रहा। शर्म की कोई इंतहा होती है? आप लोग दुश्मन है इस्लाम के। उसकी औकात क्या है? मनु पे दस दे जे जिन्हें सारे बाबे तो ही पीछे चुक मारे मनु पे तो ही सिखाते ने, वो तुहाडी की औकात है? नसो इधरों। जो कहता नहीं, मैं 2 घंटे जनाब इसरार साहब के पास बैठा और मैंने 2 घंटे में पता नहीं क्या क्या। जली ना तेरी भी जली ना। और तूने 2 घंटे में क्या हासिल करना था? और सानू 8 साल लग गए फिर भी हम कहते हैं हम कुछ नहीं हासिल कर सके। तो आप जैसे मौलवी की अकल पूरी जी होती है, तो ऐसी अकल का फिर मातम ही करना चाहिए ना। तूने डॉक्टर इसरार के पास बैठ के 2 घंटे में क्या हासिल कर दिया? फिरकों की दुकानें बंद, द डैमेज हैज बीन डन। लख दी नारक तेरे मुंह ते। तेरे सिर्फ फोंकना सीखा है, कभी हजरत से जुनैद पे फोंकता है। चीख, तेरी चीखें मैं एंजॉय करूंगा। कभी हजरत बायजीद पे फोंकता है, कभी इमाम गजाली पे फोंकता है। बस हूं तुम वाला क्या करा करो, एक वड्डी बोतल रखो, एक चिप्सा का पैकेट, एंजॉय करो चीखा। हाँ चिप्स खाओ फिर पियो फिर और खत्म हो जाए फिर रख लो। कभी इमाम जलालुद्दीन सुयूती पे फोंकता है, कभी गौसे पाक पे फोंकता है, कभी दाता साहब पे फोंकता है। ले जाओ बाबे तू अपने और कितनी मिट्टी पलीत करानी जे। कभी ख्वाजा गरीब नवाज पे फोंकता है, कभी सुल्तान के बाजू पे फोंकता है। और जैसा तुम पता है जो समझदार फौजी होते ना वो ग्रेनेड फाड़ के ना वापस उठ देते हैं। मेरे अल्लाह को ग्रेनेड सुटे मैं वो भी वापस सुटांगा, नाल जड़ा ना तबरकन तो अनु और भी चूंगे सुटांगा वापस।